वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इमोशनल ईएमएफ, है ना, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इमोशनल ईएमएफ का मतलब होता है कि अगर आप किसी रॉड को, किसी वायर को, है ना, अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में भगाते हैं, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में भगाएंगे तो इसके एंड पॉइंट्स के क्रॉस एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है ना। मतलब इसमें से एक हाई पोटेंशियल पे होगा और एक लो पोटेंशियल पे होगा अगर आप रॉड को भगा रहे हैं। तो इसको हम लोग दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो हमारा जो बेसिक लॉरेंज फोर्स होता है उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एक हम लोग लोगों ने पढ़ा है फैराडेज लॉ में पढ़ा है कि कहीं पर अगर फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स के चेंज होने से भी ईएमएफ आता है। तो दो अप्रोच हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉरेंज फोर्स। ठीक है, कोई लॉरेंज फोर्स आप सभी को पता है कि व्हाट इज लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज गिवन बाय क्यू वी प्लस क्यू वी क्रॉस वी। दिस इज एफ एम मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स एंड दिस इज एफ ई विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। सो वेलोसिटी ऑफ रॉड इज वी, एयर वेलोसिटी ऑफ रॉड इज वी मूविंग टू इट्स राइट डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज बी विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड इन साइड डायरेक्शन। तो देखो होता क्या है, इसको समझने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन पकड़ना पड़ेगा पहले यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली होता क्या मैं आपको बता दूँ, जब रॉड को भगाते हैं तो रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स एक्ट करेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं एक कोने में जाके बैठ जाते हैं। अगर वो नीचे बैठ गए इलेक्ट्रॉन सारे तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, और ऊपर बैठ गए तो वहाँ पे नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। तो चलिए एक इलेक्ट्रॉन मैंने बीच में ज्यूम किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये रॉड राइट में जा रही है तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन भी राइट में जा रहा होगा। तो दिस इज वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड। आप सबको पता है कि जो लॉरेंज फोर्स होता है वो होता है क्यू वी क्रॉस पी। ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स आता है वो वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में आता है, एंड फोर्स ऑन ए नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू वी क्रॉस पी। तो पहले वी क्रॉस बी निकालते हैं। तो दिस इज वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। तो आप देखिए वी क्रॉस बी, बी अंदर की तरफ है तो ए क्रॉस बी निकालना आपको पता है। दिस इज वी, दिस इज बी, वी क्रॉस बी इज अपवर्ड डायरेक्शन, और ये चार्ज कैसा, दिस चार्ज इज नेगेटिव, तो ये ऊपर ना जाके नीचे आएगा। तो क्या होगा, ये जो पूरा रॉड का नीचे वाला पोर्शन है ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, और जब ये नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भाग के आएंगे, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वहाँ पे पॉजिटिव बन जाता है। तो ये वाला एंड क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो दिस इज रीज़न कि मतलब केस के बीच में एक प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, और बोल सकते हैं कि देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो आपको पता है वहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी तो अब जब रॉड भाग रही होगी तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे एक्युमुलेट हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स और आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सबको अपना इक्विलिब्रियम चाहिए होता है, आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन को इक्विलिब्रियम चाहिए। तो क्या होता है, वो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका इक्विलिब्रियम हो जाए। इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पे पहले से एक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, तो वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो जितना मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आएगा एग्जैक्टली उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट कर देगा, जिससे एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, दोनों फोर्स बैलेंस कर देने है ना। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को इक्विलिब्रियम में होना है। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो नेट फोर्स होगा दैट विल बी जीरो, ये आप नोट कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड है ना, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इनसाइड। ये अब ये कहानी लिख लेना भाई, आप नोट्स में प्रॉपर कहानी लिख लेनी है ना, कि ड्यू टू चार्ज मोशन, ड्यू टू मोशन ऑफ रॉड इलेक्ट्रॉन्स मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस एंड एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड अपर एंड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज विच क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सब आप कहानी लिख लेना अपने नोट्स में। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो फोर्स आएंगे यहाँ पे है ना, एक तो होगा हमारा ई है ना, माइनस ई एंड
प्लस माइनस ई इंटू वी क्रॉस पी. दिस इज लॉरेंट फोर्स एंड दिस शुड बी जीरो. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आई क्यों आप समझ गए ना. इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन वही है कि चार्ज का एक्युमुलेशन हो गया, इसको हम जीरो पुट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ई प्लस वी क्रॉस बी इज जीरो. और जहां से हमें पता चलता है कि ई इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी. दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये अपने आप में कॉन्सेप्ट हो गया. व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है? माइनस वी क्रॉस बी. ठीक है, इसको नोट कर लेना. ठीक है, अब अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो यहां पे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा. ठीक है, तो लेंथ कितनी है? दिस लेंथ इज एल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई. तो आपको पता है जो डेल्टा वी होता है ना, वो कितना होता है? इट्स इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, है ना. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसलिए आप ये लिख सकते हैं डेल्टा वी इज माइनस ई डॉट डेल्टा आर. तो डेल्टा वी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? माइनस, ठीक है, एंड ई की वैल्यू में पता है वी क्रॉस बी. डेल्टा आर को पहले लिख देते हैं. ठीक है, तो डेल्टा आर डॉट ई भी लिख सकते हो आप. और डेल्टा आर की जगह पे डेल्टा आर आपको पता है डिफरेंस होता है पोजीशन में, उसको हम एल लिख सकते हैं. ठीक है, तो माइनस एल एंड डॉट व्हाट इज ई? ई इज माइनस वी क्रॉस बी. तो वी हैव माइनस वी क्रॉस बी, जिसकी वेक्टर फॉर्म बनेगी. वेक्टर फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. बोर्ड में तो आपसे वेक्टर फॉर्म ही पूछ लेता है कि व्हाट इज वेक्टर फॉर्म, और जेई के क्वेश्चन बिना वेक्टर फॉर्म के नहीं होंगे. तो वी हैव डेल्टा वी इज इक्वल टू एल डॉट वी क्रॉस बी. दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, एल डॉट वी क्रॉस बी. तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई. ठीक है, एल डॉट वी क्रॉस बी. अब देखिए हो क्या रहा है यार, मतलब रॉड में एक तरह से देखा जाए तो रॉड किसकी तरह एक्ट कर रही है? लाइक ए बैटरी, है ना. तो कंपैरिजन ऑफ, आप हेडिंग लिखना है, कंपैरिजन ऑफ मोशनल ईएमएफ विथ ए बैटरी. कंपैरिजन ऑफ मोशनल ईएमएफ विथ ए बैटरी. ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे. ठीक है, एक ईएमएफ आ गया ना इसमें, कितना ईएमएफ आया? जो ईएमएफ आया है वो हमारा है एल डॉट वी क्रॉस पी. ठीक है, अगर हम लोग इसको, इस फॉर्मूले को स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी दिस इज ईएमएफ, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, एल डॉट वी क्रॉस पी. अगर इस फॉर्मूले को हम लोग स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा बी वी एल साइन थीटा. ये बनेगा फॉर्मूला. ठीक है, और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा ये समझ लो आप. ठीक है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल तब होगा जब इज अ रॉड. ठीक है, ये रॉड है एंड दिस इज वेलोसिटी, द मेकिंग एंगल थीटा, बीच में थीटा का एंगल है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन. देखो इस फॉर्मूले के बहुत सारे, एक्चुअली वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना. बुक्स में ये फॉर्मूला दिया होता है तो आपको पता होना चाहिए. फॉर्मूला सेलेक्टिवली तभी लगेगा, किस केस में लगेगा? व्हेन मैग्नेटिक, नोट करें इसको, आप इसको नोट करें इस पॉइंट को, कि इन स्केलर फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय बी वी एल साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड वी. दिस इज योर लेंथ, लेंथ ऑफ रॉड, एंड दिस इज वेलोसिटी. बट थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड वी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ एल एंड वी. यू कैन सी कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड. तो एल के भी परपेंडिकुलर है और वी के भी क्या है? परपेंडिकुलर है ना. ये लेंथ है तो उसके परपेंडिकुलर, वी के दोनों के परपेंडिकुलर है. उसी केस में फॉर्मूला चलेगा. तो बहुत सेलेक्टिव फॉर्मूला है, नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर. ठीक है, और जे और नीट में जो क्वेश्चन आते हैं उसे घुमा देता है. मैग्नेटिक फील्ड इधर घुमा देगा, उधर घुमा देगा और आप गलत करके चले जाते हो. ठीक है, तो इस फॉर्मूला जब भी आपके दिमाग में है तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला सिर्फ एक स्पेशल कंडीशन के लगता है. वो कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे बता दी है,
दिस इज बी वी एल साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा ई एम एफ का क्या फॉर्मूला होता है। वापिस आते हैं, मैं आपसे बात कर रहा था कि इसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, विद ए बैटरी, है ना। कैसे कंपेयर करते हैं कि अगर आपकी रॉड, पिछला केस देख लेते हैं, ये रॉड थी, ठीक है, और ये आपकी थी मैग्नेटिक फील्ड, मैंने रॉड को इधर भगाया, है ना। तो अब देखो अप्रोच क्या होती है, आप समझो, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। ये मेरा जो तरीका है ये आपको हर जगह, मतलब कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, हर जगह एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आप क्या करिए, आप सबको बताइए जब रॉड को भगाएंगे तो पहले लॉरेंज फोर्स आता है कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड का ये फोर्स आता है क्यू वी क्रॉस पी। ठीक है, दिस इज, अब क्या होगा भाई, रॉड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो अब आप ये देखो, जो V क्रॉस B की डायरेक्शन आएगी, है ना, पॉजिटिव चार्ज V क्रॉस B की डायरेक्शन में जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किधर जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है आप सबको पता है वो किधर जाता है, अपोजिट टू V क्रॉस B। ओके, दिस मूव्स अपोजिट टू V क्रॉस B, ये नेगेटिव चार्ज आता है V क्रॉस B के अपोजिट। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जब भी हमें ये पता करना है कि कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, हम लोग V क्रॉस B निकालेंगे और V क्रॉस B जहाँ पे आएगा समझ जाएंगे सारा प्लस चार्ज वहाँ चला गया है। जैसे इसी केस की बात करते हैं, अगर मुझे पता करना है कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो मैं V क्रॉस B करूँगा, B इज इनसाइड V क्रॉस B, देखो ऊपर आ रहा है, आ रहा है, तो सारा प्लस चार्ज यहाँ चला गया, सारा नेगेटिव यहाँ चला गया। तो इस रॉड को हम क्या करेंगे, वी कैन रिप्लेस दिस रॉड विद अ बैटरी एंड This will be battery like this। ठीक है, और इस केस में जब रॉड सीधे चल रही होती है, when this is velocity and this is length, ये length हो गई आपकी, so you can see this angle is 90, तो जो यहाँ पे formula बनता है वो होता है BVL sin 90, है ना, तो this will be BVL, तो ये BVL EMF की battery बन गई। Circuit के question आते हैं, Kirchhoff के question आते हैं इसमें, कि rod दी होगी, rod को भगाएंगे, है ना, तो रॉड को हम क्या करेंगे, एक बैटरी से रिप्लेस कर देंगे, तो सर्किट के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैं आपसे नेक्स्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये रॉड ऐसे है, ठीक है, दिस इज रॉड, ठीक है, एंड ये इसकी वेलोसिटी किधर है, दिस इज वेलोसिटी, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज outside plane, dot means this is outside plane, magnetic field is B, ठीक है, and this angle is theta, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कितना EMF आ रहा है, अब आप सोचोगे फॉर्मूला होता है BVL sin theta, ये फॉर्मूला कब लगता है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, theta is angle between length and velocity and magnetic field should be परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड वेलोसिटी बोथ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो L और V दोनों के परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, तो ठीक है, फॉर्मूला चल जाएगा हमारा BVL sin थीटा, वेलोसिटी और लेंथ में एंगल, यू कैन सी कि एंगल भी कितना है, थीटा है, तो ये हमारा EMF आ जाएगा, दिस इज EMF और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू एंड्स। ठीक है, कौन सा एंड हाई पे होगा और कौन सा एंड लो पोटेंशियल पे होगा, है ना, तो क्या करेंगे आप, V क्रॉस B करिए। ठीक है, तो V क्रॉस B कैसे करेंगे, देखो क्रॉस प्लॉट निकालना बहुत जरूरी है, आपको क्रॉस प्लॉट नहीं आता तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। दिस इज वी, बी इज आउटसाइड प्लेन, आउटसाइड दिस बोर्ड, सो वी क्रॉस बी करते हैं एंड थंब पॉइंट्स इन अपवर्ड एक्शन, तो सारा प्लस चार्ज आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ओके, और सारा निगेटिव यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, तो हम इस बैटरी, इस रॉड को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस विद ए बैटरी ऑफ EMF BVL sin theta। ये इसका क्या हो गया, ये इसका EMF हो गया। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए, आपने कंडीशन फॉर जीरो ईएमएफ, मतलब कोई ईएमएफ नहीं आ रहा है, रॉड इज मूविंग ओके, एंड देयर इज नो EMF, ठीक है, तो देखते हैं हमारा EMF का फॉर्मूला क्या है, L डॉट
वी क्रॉस पी. मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट. रॉड तो है, तो एल तो हो गई हुआ है, एंड वेलोसिटी दोनों है, बट देर इज नो ईएमएफ. ठीक है, ऐसा पूछ लेता है कि ऐसा कब होगा. तो देखिए पहली कंडीशन क्या है. फर्स्ट कंडीशन इज कि अगर वी इज पैरेलल टू बी, अगर ऐसी कंडीशन बन गई तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी में ए बी साइन थीटा होता है ना. जो ए क्रॉस बी होता है वो हमारा क्या होता है, दैट इज ए बी साइन थीटा. एंड यू कैन सी इफ ए एंड बी आर पैरेलल देन थीटा इज जीरो, तो ए क्रॉस बी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इफ वी इज पैरेलल टू बी तो आपको पता है कि वी और बी में जीरो, वो हमारा क्या हो जाएगा, वी क्रॉस बी जीरो हो जाएगा, तो ई एम एफ जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है वी इज पैरेलल टू बी. ठीक है, मतलब सर रॉड आपकी ऐसे रखी थी ना, ये रॉड थी, दिस इज रॉड. ठीक है, ये लेंथ हो गई हमारी. ठीक है, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, और रॉड अंदर जा रही हो. सोचो रॉड अंदर जा रही है, अंदर की तरफ ऐसे, तो इन दैट केस ई एम एफ विल बी जीरो. ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि इफ, अब डॉट भी लगाए है ना, तो डॉट पुट भी जीरो हो सकता है. तो इफ ये दो वेक्टर्स है ना, एल एंड बी क्रॉस बी, डॉट पुट कब जीरो होता है, वी हैव डॉट प्रोडक्ट इज गिवन बाय ए बी कॉस थीटा व्हेन थीटा इज 90. तो क्या होगा, इफ एल इज परपेंडिकुलर टू वी क्रॉस बी, अगर एल वी क्रॉस बी के परपेंडिकुलर हो गया, इन दैट केस ई एम एफ विल बी जीरो. देखते हैं कैसी कंडीशन बनेगी, है ना. तो सोचिए रॉड है, ठीक है, एंड ये ऐसे रॉड हो गई, ठीक है, और रॉड को ऐसे मूव करा देते हैं, ऐसे रॉड ऐसे मूव कर रही है विद वेलोसिटी v. तो देखिए v क्रॉस b किधर आएगा, वेलोसिटी v है, b अंदर की तरफ है ना, तो v क्रॉस b सर आ गया, दिस विल बी एक्शन ऑफ v क्रॉस b. ठीक है, आप देख सकते हो v क्रॉस b जो है l के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो एंगल मतलब ईएमएफ जीरो हो जाएगा. या हम बोल सकते हैं कि इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू क्या, लेंथ. ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी, वो फर्स्ट कंडीशन थी, दिस इज सेकंड कंडीशन, वेलोसिटी इज पैरेलल टू लेंथ. इस केस में भी हमारा क्या होगा, ये ईएमएफ जीरो आ जाएगा. ठीक है, चलिए एक बात बताइए मुझे, एक और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि इफ अब मैं लूप को भगा दूं तो क्या होगा. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया. ठीक है, यू विल लूप ए बी सी डी एंड दिस लूप इज मूविंग विद वेलोसिटी वी. इसको मैं स्क्वायर मान लेता हूँ, स्क्वायर लूप. ओके, दिस लूप इज लाइक मेरा स्क्वायर बना नहीं है. ठीक है, थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया है, आई कैन सी, बट चलो इसको मैं स्क्वायर मान लेता हूँ, है ना, ए बी सी डी एंड दिस लेंथ इज डी. ठीक है, वॉट इज ई एम एफ, वॉट इज ई एम एफ डेवलप्ड इन द लूप, है ना. तो यार पहले बताओ सी डी में कितना ई एम एफ आएगा, वॉट विल बी ई एम एफ इन सी डी. अभी मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी इज पैरेलल टू लेंथ, दिस इज लेंथ, वेलोसिटी इज पैरेलल टू लेंथ, तो ई एम एफ सी डी में कितना होगा, जीरो होगा. एंड सिमिलरली इन ए बी ई एम एफ विल बी जीरो, नो ई एम एफ. ठीक है, वॉट विल बी ई एम एफ ऑन सी डी, अब सी डी को पकड़ते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सी डी में ई एम एफ आएगा कितना आएगा, बी बी एल साइन थीटा, है ना, एंड थीटा इज 90, थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड वेलोसिटी, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ, ऐसे तो फॉर्मूला लगेगा बी बी एल साइन थीटा. तो सी बी सी में इन बी सी जो ई एम एफ आएगा दैट विल बी बी वी एल, एंड सिमिलरली इन डी ए, डी ए आई डी जो भी बोले आप, ई एम एफ विल बी बी वी एल, इन दोनों में ई एम एफ आएगा. कैसे आएगा सी डी में देखते हैं. अब बताइए सी डी का कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, हमें पता है वी क्रॉस बी निकालना है, तो दिस इज वी, दिस इज बी, वी क्रॉस बी ऊपर आ रहा है, तो ये वाला एंड पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर वाला. इसको हटा के एक बैटरी बना देते हैं.
बैटरी ऑफ EMF BVL, ये भी आगे भाग रहा है, इसको भी क्या करते हैं सेम कहानी अप्लाई करते हैं, यहाँ भी एक बैटरी बना देते हैं BVL, ठीक है। अब बताइए दो बैटरी आ गई, ये इधर फोर्स मारेगी, इधर फोर्स मारेगी, तो कोई चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, समझे, मतलब देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, नो करंट, आई बात समझ में। तो अगर कोई लूप कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड में भाग रहा है ना, तो उस लूप में ओवरऑल EMF विल बी जीरो, उस लूप में ओवरऑल EMF जीरो आएगा, लेकिन लूप के जो सेगमेंट्स होंगे है ना, उन सेगमेंट्स में EMF आ सकता है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे BVL आ गया, यहाँ पे BVL आ गया, इसमें EMF है इसमें है, बट ओवरऑल आपस में क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, और इसमें इसमें EMF जीरो हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट डिस्कस करने वाले हम लोग, सारे वीडियोज़ प्लीज़ ध्यान से देखिए आप लोग।